महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन उससे भी पहले पूरा देश उनको जिस सम्मान की दृष्टि से देखता है, वैसा सम्मान ना तो किसी और व्यक्तित्व को मिला है और न आने वाली कई शताब्दियों तक मिलने की संभावना है। राष्ट्रपिता के नाम से सुशोभित महात्मा गांधी देश की अमूल्य धरोहर में से एक हैं, क्योंकि उनका सम्मान और उनके विचारों का अनुगमन न केवल भारतीय करते हैं, भारत के बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग गांधी जी के विचारों और कार्यों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपावली में, और आज मैं आपको महात्मा गांधी का जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उस समय के चलन के अनुसार गांधी जी के पिताजी ने भी 4 विवाह किए थे। पेशे से दीवान करमचंद गांधी स्वयं नहीं जानते थे कि जब उनकी चौथी पत्नी अपने सबसे छोटी संतान को जन्म देगी तो वह पुत्र भारत की स्वतंत्रता का प्रमुख पात्र बनेगा और इतिहास के पन्नों में स्वयं के साथ पूरे परिवार का नाम दर्ज करवाएगा। वह एक सक्षम प्रशासक थे जो यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि कैसे तत्कालीन सशक्त राजकुमारों के बीच में अपनी जगह बनानी है या अपने उद्देश्यों के साथ सत्ताधीन ब्रिटिश राजनीति अधिकारियों के मध्य कैसे अपनी पहचान बनानी है। महात्मा गांधी की माताजी का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की माताजी पुतलीबाई ने अपना संपूर्ण जीवन धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत किया। उन्होंने कभी भौतिक जीवन में वस्तुओं को महत्व नहीं दिया। उनका ज्यादातर समय या तो मंदिर में या तो घरेलू कार्यों में ही बीतता था। वास्तव में वो परिवार को समर्पित आध्यात्मिक महिला थी। बीमार की सेवा करना, व्रत उपासना करना उनके दैनिक जीवन में शामिल थे। इस तरह गांधी जी की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहाँ पर वैष्णवमयी माहौल था और जैन धर्म के मॉरल्स थे, इसलिए वो शाकाहारी भोजन, अहिंसा, व्रत उपवास की जीवन शैली में विश्वास रखते थे जिससे मन को शुद्ध किया जा सके। अब मैं आपको महात्मा गांधी की प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताती हूँ। पोरबंदर में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं ना होने के कारण मोहनदास ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मुश्किल परिस्थितियों में पूरी की थी। उन्होंने मिट्टी में उंगलियों से उकेर कर वर्णमाला सीखी थी। बाद में किस्मत से उनके पिता को राजकोट में दीवानी मिल गई थी जिससे उनकी समस्याएं काफी हद तक कम हो गई थी। मोहनदास ने अपने स्कूल के दिनों में काफी इनाम जीते। 1887 में गांधी जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से मैट्रिक का एग्जाम पास किया और भावनगर के रामलदास कॉलेज को ज्वाइन किया जहां पर उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती को छोड़कर इंग्लिश सीखी। इसके कारण उन्हें लेक्चर समझने में थोड़ी परेशानी भी हुई। इसी दौरान उनका परिवार उनके भविष्य को लेकर काफी चिंतित था क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वैष्णव परिवार के होने के कारण वे डॉक्टर का काम नहीं कर सकते थे। इसलिए उनके परिवार वालों को लगा कि उन्हें अपने परिवार की परंपरा को निभाते हुए गुजरात के किसी हाई ऑफिस में अधिकारी के पद पर लगना होगा, इसलिए उन्हें बैरिस्टर बनना होगा। और उस समय मोहनदास भी सामलदास कॉलेज से खुश नहीं थे। वे ये सुनकर खुश हो गए। उस समय की उनकी युवावस्था ने भी उन्हें इंग्लैंड के कई सपने दिखाए थे। एक भूमि जहाँ पर बहुत से फिलोसोफर और पोएट्स होंगे, वो सिविलाइजेशन का केंद्र होगा। वैसे उनके पिता उनके लिए बहुत कम संपत्ति और पैसे छोड़ गए थे और उनकी माँ भी उन्हें विदेश भेजने से डर रही थी, लेकिन गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग थे। उनके भाइयों ने आवश्यक पैसों का इंतजाम किया और इस तरह सितंबर 1888 को वो रवाना हो गए। वहाँ पहुँचने के 10 दिनों बाद उन्होंने लंदन लॉ कॉलेज में इनर टेम्पल को ज्वाइन कर लिया। 1891 में इंग्लैंड से भारत लौटने पर उन्होंने वकालत में अपनी जगह बनाने की शुरुआत की। अपने पहले कोर्ट केस में वो बहुत नर्वस थे और जब गवाह के सामने उन्हें बोलने का समय आया तो वो ब्लैक हो गए और वे कोर्ट से बाहर आ गए। इस कारण उन्होंने अपने क्लाइंट को उसकी फीस भी लौटा दी। कुछ समय तक भारत में एक लॉयर के रूप में संघर्ष करने के बाद साउथ अफ्रीका में इन्हें लीगल सर्विस का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस कारण अप्रैल 1893 को वो साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। वहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। डर्बन के कोर्ट रूम में उन्हें अपनी पगड़ी हटाने को कहा गया जिससे उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कोर्ट रूम छोड़ दिया। 7 जून 1893 को
ट्रेन ट्रिप के दौरान उनके जीवन में एक घटना घटी जिसने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। वो प्रोटेरिया जा रहे थे, तभी एक अंग्रेज ने उनके फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में बैठने पर आपत्ति की, जबकि उनके पास टिकट था। उन्होंने ट्रेन से उतरने से मना कर दिया, इसलिए उन्हें किसी स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। उनका यह अपमान उन्हें अंदर तक प्रभावित कर गया और उन्होंने खुद को इस रंग भेद के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। उन्होंने उस रात ये प्रतिज्ञा की कि वो इस समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे। इस तरह उस रात एक सामान्य आदमी से महानायक गांधी का जन्म हुआ। गांधी ने रंग भेद से लड़ने के लिए 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब उन्होंने भारत लौटने की तैयारी शुरू की, उससे पहले ही नेटल असेंबली ने भारतीयों को वोट देने से वंचित कर दिया। उनके साथियों ने भी उनके लेजिस्लेशन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए आश्वस्त किया। इस तरह गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस मुद्दे को उठाया। कुछ समय तक भारत में रहने के बाद गांधी जी अपने पत्नी और बच्चों के साथ साउथ अफ्रीका लौट गए। वहाँ उन्होंने लीगल प्रैक्टिस की। वॉर के दौरान उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। उनका मत था कि यदि भारतीय ब्रिटिश एम्पायर में अपने मूलभूत नागरिक अधिकार चाहते हैं तो उन्हें भी अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा। वास्तव में गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार साउथ अफ्रीका में ही नागरिक समानता के लिए रैली निकाली और अपने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को सत्याग्रह का नाम दिया। इस कारण वहां उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी हुई। उन्होंने कुछ परिस्थितियों में ब्रिटिश का सपोर्ट भी किया। बोर वार और जुलू रेबेलेशन के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनकी अनुशंसा भी की। सत्याग्रह, अहिंसात्मक और असहयोग आंदोलन। 1906 में गांधी जी ने अपने जीवन का पहला असहयोग आंदोलन किया, जिन्हें उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। यह असहयोग आंदोलन साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल गवर्नमेंट में भारतीयों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों पर था, जिसमें हिंदू विवाह को नहीं मानना भी शामिल था। कई वर्षों तक चले इस संघर्ष के बाद सरकार ने गांधी जी के साथ कई भारतीयों को जेल में डाल दिया था। आखिरकार दबाव के चलते साउथ अफ्रीका की सरकार ने गांधी और जनरल जेन क्रिश्चियन स्मर्ट के मध्य हुए समझौते को स्वीकार कर लिया था, जिसके अनुसार वहां पर हिंदू विवाह को भी मान्यता मिली और भारतीयों के लिए पोल टैक्स को समाप्त किया गया। गांधी जी 1914 में जब भारत लौटे, तब स्मर्ट ने लिखा था, संत ने हमारा साथ छोड़ दिया, मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद विश्व युद्ध प्रथम के समय गांधी जी ने कुछ महीने लंदन में बिताए थे। चंपारण और खेड़ा आंदोलन। 1918 में गांधी जी ने ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस समय अंग्रेजों द्वारा नील की खेती के संबंध में किसानों पर जो रूल्स लगाए जा रहे थे, उससे व्यथित होकर आखिर में इन किसानों ने गांधी जी से सहायता मांगी थी, जिसका परिणाम अहिंसक आंदोलन के रूप में हुआ और जिसमें गांधी जी की जीत हुई। 1918 में खेड़ा में जब बाढ़ आई, तब वहां के किसानों को टैक्स में छूट की सख्त आवश्यकता थी। उस समय भी गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन से अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाई। इस आंदोलन में भी गांधी जी को बहुत बड़ा जन समर्थन मिला और अंततः मई 1918 में सरकार ने टैक्स की राशि को छूट दे दी गई। और इस तरह गांधी जी ने धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन जारी किया। भारत में गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन 1919 में। भारत में जब ब्रिटिश का शासन था, तब गांधी जी राजनीतिक आंदोलन कर रहे थे। उस समय रोलेट एक्ट आया था, जिसके अनुसार बिना किसी सुनवाई के क्रांतिकारियों को सजा दी जा सकेगी, ऐसा प्रावधान अंग्रेजों ने बनाया था। गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने इसके खिलाफ सत्याग्रह और शांतिपूर्व आंदोलन किए। इसी दौरान अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, जिसमें ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को गोली से भून दिया था। गांधी जी इससे बहुत नाराज हुए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को वर्ल्ड वॉर में भाग लेने की अनिवार्यता का भी विरोध किया। इस तरह गांधी इंडियन होम रूल मूवमेंट का प्रमुख चेहरा बन गए और अंग्रेजों के संपूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। छात्रों को सरकारी स्कूल में नहीं जाने के लिए, सैनिकों को अपना पद छोड़ने के लिए, नागरिकों को टैक्स ना भरने के लिए और ब्रिटिश सामान ना खरीदने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने खुद भी ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कपड़ों के स्थान पर चरखा लगाकर खादी का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया और यही चरखा जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप की और होम रूल के लिए अहिंसा और असहयोग आंदोलन की नींव रखी। ब्रिटिश सरकार ने 1922 में गांधी जी पर राजद्रोह के 3 मुकदमे लगाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया।
और 6 वर्ष के कारागार में डाल दिया और गांधी जी को उनकी अपेंडिक्स सर्जरी के बाद फरवरी 1924 में छोड़ा गया। जब वो स्वतंत्र हुए तो उन्होंने देखा कि भारत में मुस्लिम हिंदू एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, इसलिए इस साल उन्होंने 3 महीने के लिए उपवास रखा। उसके बाद वो आगामी कुछ सालों तक राजनीति से दूर ही रहे। 1930 में गांधी जी ने वापस सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार का नमक आंदोलन का विरोध किया। इस एक्ट के अनुसार भारतीय ना नमक बना सकते थे और ना बेच सकते थे और नमक पर भी कर लगा दिया गया, जिसके कारण गरीब भारतीयों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। गांधी जी ने इसका विरोध करने के लिए एक नए तरह का सत्याग्रह किया, जिसमें वो 390 किलोमीटर चलकर अरेबियन सागर तक गए। वहां पर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से नमक इकट्ठा किया। इस मार्च से एक दिन पहले ही उन्होंने लॉर्ड इरविन को लिखा था, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि मैं हिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश सरकार को यह महसूस करवाऊंगा कि वो भारतीयों के साथ कितना गलत कर रहे हैं। 12 मार्च के दिन गांधी ने एक धोती और शॉल पहनकर एक लकड़ी के सहारे साबरमती से ये मार्च शुरू किया था, जिसके 24 दिन बाद वो कोस्टल टाउन दांडी पहुंचे और वहां उन्होंने वाष्पीकृत होने वाले समुद्र जल से नमक बनाकर अंग्रेजों के बनाए हुए नियम को तोड़ा। इस तरह इस नमक यात्रा से पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। लगभग 60,000 भारतीयों को सॉल्ट एक्ट तोड़ने के जुर्म में जेल में डाला गया, जिसमें गांधी जी खुद भी शामिल थे। इसके कारण वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए और 1930 में ही टाइम मैगजीन ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। वरी 1931 में उन्हें जेल से छोड़ा गया और इसके भी 2 महीने बाद उन्होंने लॉर्ड इरविन से समझौता किया और नमक सत्याग्रह समाप्त किया। इस समझौते के अनुसार हजारों राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। उसके साथ यह भी उम्मीद जागी कि स्वराज के लिए यह सत्याग्रह मील का पत्थर साबित होगा। गांधी जी ने 1931 में लंदन में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। हालांकि यह कॉन्फ्रेंस निरर्थक साबित हुई। 1932 में गांधी जी लंदन से लौटे और उन्हें वापस जेल में डाल दिया गया। उस समय भारत का एक नया वायसराय लॉर्ड विलिंगटन आया था। इसके बाद जब गांधी जी बाहर आए तो 1934 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप छोड़ दी और उसकी जगह जवाहरलाल नेहरू ने संभाली और इस तरह गांधी जी फिर राजनीति से दूर हो गए। उन्होंने अपना ध्यान शिक्षा, गरीबी और अन्य समस्याएं जो भारत के रूरल एरिया को प्रभावित कर रही हैं उस पर लगाया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ग्रेट ब्रिटेन जब इस युद्ध में उलझा हुआ था तब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अगस्त 1942 में अंग्रेजों ने गांधी जी, उनकी पत्नी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इन सबको पुणे में रखा गया। 19 महीनों बाद गांधी जी को रिहा किया गया, लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु जेल में ही हो गई। 1945 में जब ब्रिटिश के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने चर्चिल के कंजर्वेटिव पार्टी को हटा दिया, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने देश की स्वतंत्रता की मुहिम को और तेज कर दिया था, जिसमें गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन वो विभाजन को नहीं रोक सके और धर्म के आधार पर भारत 2 टुकड़ों, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। गांधी जी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य इस तरह से हैं। गांधी जी को अब तक 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया जा चुका है और कमेटी इस बात के लिए अफसोस जता चुकी है कि इन्हें कभी भी अवार्ड नहीं मिला। गांधी जी 4 कॉन्टिनेंट और 12 देशों में सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए जिम्मेदार थे। उनके लिए विश्वव्यापी सम्मान और उनकी अनुयायियों की संख्या का अंदाजा इस प्रकार लगाया जा सकता है कि महात्मा गांधी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। गांधी जी ने अपने जीवन में 5 वर्ष फ्रूट, नट्स और सीड्स पर बिताए हैं। फिर गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने ये छोड़ दिया था। उन्होंने शुरू में दूध से बनी खाद्य सामग्री को भी स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन बाद में खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने बकरी का दूध पीना स्टार्ट किया था। उनके बहुत सारे उपवासों को देखकर गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशनिस्ट को यह बताने के लिए बुलाया था कि गांधी जी बिना भोजन के 21 दिन तक कैसे रह सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि गांधी जी की हत्या कैसे हुई। 30 जनवरी 1948 के दिन 78 वर्षीय गांधी जी, जो कि भूख हड़ताल से टूट चुके थे, उन्होंने नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रेयर मीटिंग के लिए प्रस्थान किया। उस समय एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे पॉइंट ब्लैक रेंज में 3 बार गोली मारकर हत्या कर दी। अहिंसा के इस पुजारी का हिंसा के साथ अंत होना पूरे देश के लिए एक दुखद समाचार लेकर के आया। गोडसे और उनके साथी को इस जुर्म में नवम्बर 1949 में
फांसी पर चढ़ाया गया और उनके साथ मिले अन्य साथियों को आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। गांधी जी के नाम पर देश विदेश में बहुत धरोहर है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो को आर्टिकल के फॉर्म में पढ़ना है तो उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। थैंक यू।